सत श्री अकाल दोस्तों, क्लिक स्टडी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे पंजाब पीसीएस 2015 में आए पॉलिटी के क्वेश्चन बारे कि कौन-कौन क्वेश्चन आए, उन्होंने आप इनडैप्थ डिस्कस करांगे। जे थोनों इस लैक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो साडे टैलीग्राम चैनल तो ले सकते हो, तो जे कोई भी डाउट है तो साडे इंस्टाग्राम चैनल से सानू डाउट पूछ सकते हो। तो गल करते हैं 2015 के क्वेश्चन पेपर की पंजाब पीसीएस के, तो पॉलिटी का अराउंड 12% पेपर आया सी। जी एस का जिहड़ा पेपर सी उहदे विच 12 क्वेश्चन सी पॉलिटी दे, ते बाकी सब्जेक्टां दे भी तुसी क्वेश्चन देख सकते हो कि किन्ने किन्ने परसेंट आए सी। ते जे कंपैरिजन किया जाए पॉलिटी का, तो 2013 दे विच 12 क्वेश्चन सी, 15 दे विच भी 12 क्वेश्चन सी, ते 2018 दे विच 9 क्वेश्चन सी। इहदा मतलब एक कंसीडरेबल पोर्शन पॉलिटी चों आउंदा है, ते सीरियस स्टडी नाल तुसी इह चों वधिया नंबर स्कोर कर सकदे हो। हुण गल करदे हां क्वेश्चन दी जिहड़े पॉलिटी विचों आए ने हुण तक, तां फस्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे हां जिहड़ा पॉलिटी विचों आया है। एक क्वेश्चन दे विच लिखा गया है कि मैच करना है लिस्ट 1 ते लिस्ट 2 नूं, इहदे विच कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स दित्तियां होईयां ने, दैन दित्ता होया है कि इहदे विच की चीज़ां चेंज आईयां। जे क्वेश्चन च तुहानूं सारियां अमेंडमेंट्स बारे नहीं भी पता तां वी तुसीं क्वेश्चन नूं आंसर कर सकदे हो। लाइकवाइज तुहानूं एक दो अमेंडमेंट्स पता ने तां वी तुसीं आंसर दे बहुत क्लोज जा सकदे हो। लाइकवाइज जे थोनों पता कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी उहदे विच की होया सी कि कोऑपरेटिव न्यू कोऑपरेटिव एक्ट लैके आई सी गवर्नमेंट, कि उन्होंने एज अ फंडामेंटल राइट भी एडअप किया सी, DPSP दे विच भी एडअप किया सी। सिर्फ जे थोनों इन्ना पता कि बी का सही आंसर 4 है, तो भी तुसी देख सकते हो कि थोड़े सारे ऑप्शन बाकी निगलैक्ट हो गए, तो आंसर थोड़ा बन जूगा बी। पर आपने सारे ही अमेंडमेंट्स याद करनी जिन्नी भी इंपॉर्टेंट ने, तो दैन स्टार्ट कर दें 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट इज़ 3 रिजर्वेशन ऑफ फॉर OBCs इन अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दैन देयर इज़ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज़ पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जे तुसी केशवानंदा भारती केस पढ़े हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो इसे अमेंडमेंट दे करके वो केस पाया गया सी केशवानंदा भारती द्वारा। दैन गल करते हैं 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ये की किया उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रिविलेजिज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को खत्म कर दिए थे, तो उन्होंने प्राइवी पर्स को खत्म कर दिया। इन्हों की डिटेल्स मैंने इस टेबल लिखिया हुई ने, जिसनों तुम PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 24th अमेंडमेंट एक्ट इन 1971, जिदे पार्लियामेंट पावर मिल गई सी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकलूडिंग फंडामेंटल राइट्स। दैन देयर इज कंपल्सरी, इट मेड इट कंपल्सरी फॉर प्रेजीडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो थोड़ा पता हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो जो पास हो गया लोकसभा तो राज्यसभा चो इनकलूडिंग स्टेट्स, जो उस बिल की डिमांड है तो प्रेजीडेंट उस साइन करने ही पैदा, उसको असेंट देनी ही पैंती है। दैन देयर इज 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिदे विच प्राइवेट परसिस खत्म करते सी प्रिंसली स्टेट से। दैन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिदे विच सोशली ते बैक एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस लिए कुछ प्रोविजनस लैके आए सी। दैन 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कोऑपरेटिव नू एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिता सी। हुण गल करदे हां नैक्सट क्वेश्चन की, which of these constitutional amendments does not pertain to addition of more languages in 8th schedule। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस उत्ते लैंग्वेजेस वाला टॉपिक है, जिहड़ा ये उत्ते क्वेश्चन बनता ही रहिंदा है, तो इहनूं तुसीं चंगी तरह करना है। मैंने इस दे विच सारी अमेंडमेंट्स दित्तियां होईयां ने टेबल दे विच इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, लाइक 21st अमेंडमेंट, ये 2013 दे पेपर विच लैंग्वेजेस ते क्वेश्चन आया सी, 2015 दे विच भी आया, तो इहनूं चंगी तरह करना है। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट राही की होया सी कि सिंधी लैंगुएज नूं ऐड किया गया सी। दैन 29th अमेंडमेंट एक्ट जिहड़ा इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया, उहदा लैंगुएजेस नाल कोई लिंक नहीं हैगा। इहदे विच दो केरला दे एक्ट ऐड किए सी इन दी 9th शेड्यूल। इहदा मतलब जिहड़ा इहदे विच लैंगुएज नाल प्रिटेन नहीं करदा वह है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दैन 71st ते 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स भी ने जिहड़े इहो लैंगुएजेस दे उत्ते ने। जे 71st है वह कोंकणी मणिपुरी ते नेपाली नूं ऐड किया गया सी। एंड दैन इन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उहदे विच बोडो डोगरी मैथिली ते संथली नूं ऐड किया गया सी, ते टोटल लैंग्वेजेस 22 हो गई।
इस तो अलावा एक होर अमेंडमेंट भी है जे आई एस इस तो बाद लैंगुएज रिलेटिड दैट इज़ 96 अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, बस एक लैंगुएज का नाम चेंज किया गया। पहला ओरिया कहिंदे सी उहनूं, फिर उसका नाम बदल के ओड़िया रख दिता गया, ओरिया तो ओड़िया। इन्नी ही चेंज की गई है, लैंगुएजिस 22 ही रही हैं। तां एक मैं कमेंट बॉक्स के भी जरूर दस्यो कि जिहड़ा 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ओह केड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राही ऐड किया गया। 11th शेड्यूल जिहड़ा पंचायती राज दे उत्ते है ओह केड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राही कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड किया गया, ये मैं कमेंट बॉक्स के दस्यो। हुण गल करदे नैक्सट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन दे विच की पूछा गया, एज अ मैंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली, जदों इंडिया आजाद हो रहा सी तो जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बनाई सी ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲੈਡ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਡਿਡ ਏਰੀਆਸ, ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੀ 4 ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 8 ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੈਡ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੈਡ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੈਡ ਬਾਏ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਦੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਡਿਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਡ ਬਾਏ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਦੈਨ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਮੇਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੈਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3% ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਬਲਿਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪਬਲਿਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 30 ਦੇ 30 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਟੂ ਅਸਰਟੇਨ ਵੈਦਰ ਮਨੀ ਗਰੰਟਿਡ ਬਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਪੈਂਟ ਬਾਏ ਗਵਰਮੈਂਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਸਕੋਪ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ। ਜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟੈਨਿਓਰ 1 ਈਅਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਟਵਿਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਪਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਅਟੈਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ?
वाई नॉट बीइंग अ मैंबर ऑफ आइदर, कि कहड़ा परसन है जेड़ा पार्लियामेंट के दोनों हाउसिस की मीटिंग अटेंड कर सकता है पर विदाउट बीइंग अ मैंबर, क्यों मैंबर भी नहीं है पार्लियामेंट का। तो यह आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनू चंगी तरह याद कर रहे। 2013 च अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बारे क्वेश्चन आया सी। तो जे अटॉर्नी जनरल की गल की जाए तो इट ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दैन क्वालिफिकेशन की अटॉर्नी जनरल की, इट ही और शी कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लिए क्वालिफाई होना चाहिए। वो की कंडीशन ने अगे, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दैन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए परसन फॉर द 5 ईयर्स और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या फिर किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट हो फॉर द 10 ईयर्स और एन एमीनेंट जूरिस्ट इन द ओपीनियन ऑफ प्रेजिडेंट, या फिर एक एमीनेंट जूरिस्ट होवे इन द ओपीनियन ऑफ प्रेजिडेंट। हम गल करते हैं राइट्स की, कि अटॉर्नी जनरल के राइट्स की होंगे ने। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस, तो उसके को राइट है कि किसी भी हाउस की कोई भी मीटिंग चाहे वह ज्वाइंट सीटिंग है चाहे वह सिंगुलर मीटिंग है लोग सभा या राज्य सभा की, तो उत्थे वह मीटिंग अटेंड कर सकता है। हम चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फर्स्ट टू अस्टैबलिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कि केड़ी स्टेट ने सब तो पहला पंचायती राज अस्टैबलिश करे से इंडिया दे विच। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने सब तो पहला अस्टैबलिश करे से पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे कहा जाता है कि इट इज़ द रेवोल्यूशन दैट चेंज इंडिया। पंचायती राज नाल की होया, लोग पिंडां दे लोग अपने अपने सुधार लिए अपने सुधार लिए कम करन लग पे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है इनू, कि रूट लैवल से लोगों को पावर मिलनी अपने आप चेंज लैके आने, आपकी सोसाइटी चेंज लैके आने। तो पंचायती राज सिस्टम की गल करी जाए तो सब तो पहले 1953 के राजस्थान पंचायत एक्ट आया सी टू एसटैबलिश दी पंचायत्स, पंचायत्स नूं एसटैबलिश करने लई 1953 के राजस्थान पंचायत एक्ट लिया गया सी। इहदे विच की कुछ सी, एक तां 3-tier सिस्टम एट द विलेज लैवल, एट द ब्लॉक लैवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लैवल। ऑफ द रिप्रजेंटेटिव बॉडीज़ एट विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लैवल्स, तो इसकी इनॉगुरेशन की गई सी प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू राही ऑन द 2 अक्टूबर 1959 एट नगौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान के नगौर के प्रधानमंत्री नहरू ने सब तो पहली पंचायत की इनॉगुरेशन करी सी ऑन द 2 अक्टूबर 1959। दैन नैक्सट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटिड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम चैप्टर 3 एंड मेड इट अ लीगल राइट। जो चैप्टर 3 है इट इज़ रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो वह कितों की है आर्टिकल नंबर 12 तो लैके आर्टिकल नंबर 35 तक, जो पार्ट 3 है वो ये है। पहला राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट सी पर लेटर इन डिलीट कर दिता गया एंड इट वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो क्वेश्चन दे विच है कि केड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राही इनू इस तरह चेंज किया गया। तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट, जदों जनता गवर्नमेंट पावर दे विच आई सी तो उन्हें फंडामेंटल राइट नू डिलीट करके उसने प्रॉपर्टी नू फंडामेंटल राइट तो डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिता सी। तो गल करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसका मेन परपज की सीगा, टू नलीफाई सम डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इंडिया दे विच सब तो डिटेल्ड जे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है तो है 42nd, जो बहुत ही वड्डी सी, बहुत ही डिटेल च सी। तो उहदे कुछ प्रोविजनज़ नू नलीफाई करन लई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई सी जनता गवर्नमेंट इन 1978। तो उहदे विच मेजर प्रोविजनज़ देखो की ने फॉर इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक तो उन्हें रिस्टोर की ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लैजिस्लेटिव असैम्बलीज, के 5 ईयर्स तक ही उन्होंने ओरिजिनल टर्म है। दैन इट डिलीटिड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ऑनली अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। दैन इट इज़ अंडर पार्ट 12 जी नवी आई सी पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सी। दैन इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटैक्शन टू
पब्लीकेशन इन न्यूज़पेपर कि कोई भी जे पार्लियामेंट स्टेट लैजिस्लेचर की कोई प्रोसीडिंग की रिपोर्ट है वह न्यूज़पेपर कोई प्रिंट कर दिता है तो वो कोई भी पुनिशमेंट नहीं दी जाएगी। दैन रिप्लेस्ड द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन इन रिस्पैक्ट ऑफ नैशनल एमरजेंसी। तो थोड़ा पता 1975 तो 1977 तक देश एमरजेंसी लगी सी ऑन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द दैन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ऐसी चीज़ों बाद विच ना होन ता करके उन्हें इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म ही करता तो इतना थे वर्ड ले आर्म्ड रिबेलियन। हम नैक्सट क्वेश्चन से चल रहे हैं। ए परसन हु इज़ नॉट अ मैंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटिड एज अ मैंबर ऑफ मिनिस्टर बाय द प्रेजिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जे कोई परसन लोकसभा या राज्यसभा का मैंबर नहीं है तो उन्होंने मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता इंडिया, ईवन प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जा सकता इंडिया, पर किन्ने टाइम लिए अपॉइंट किया जा सकता है? तो यह आंसर है 6 मंथ्स कि 6 महीने के उन्हें अपॉइंट होकर अपॉइंट होने तो बाद 6 महीने के लोकसभा या राज्यसभा का मैंबर बनना ही पेगा। जो नहीं बन पाता तो ही सीजिस टू बी अ मिनिस्टर, तो उन्होंने मिनिस्टर का पदों तो वापस ले लिया जाऊगा। हम नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि जिहड़ियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन च वो किहड़े कमीशन की रिकमेंडेशन से पाई गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन च 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राही पाई गई बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो यह पाई गई सी ऑन द स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी सी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के। स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे गल करते हैं, इट वॉज फॉर्मड इन ईयर 1976 टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। उस तो अलावा कमेटी रिकमेंडेड टू इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज अ सैपरेट चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हें रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने एक सैपरेट चैप्टर बना के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड कर दिया जाए सो दैट पीपल मेक अवेयर ऑफ ड्यूटीज़ दे हैव टू परफॉर्म अलोंग विद इंजॉइंग राइट्स। पहला कल कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से ताकि लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने समझन तो कम कर उस अकॉर्डिंग, ना कि सिर्फ राइट्स को इंजॉय कर। इस कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया पर गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर लिया। थोनों मैं दसदा उरे कि अज के टाइम के फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 ने एक इस तो बाद भी ऐड की गई। वो केड़ी ड्यूटी ऐड की गई यह भी मैंने कमेंट के जरूर दसना, तो केड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राही ऐड की गई यह भी जरूर दस्यो। दैन सम प्रोविजनस दैट वर नॉट एक्सैप्टिड ऑफ द कमेटी, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन जी नहीं एक्सैप्ट हुई। तो इस कमेटी ने कहा कि जो परसन इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं मानता वो पेनल्टी लाई जाए, पर थोनों दसा मैं दस देना चाहता मैं उरे कि यह जी कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड नहीं करेगी कि इनकेस कोई बंदा कोई परसन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानता ड्यूटी नहीं परफॉर्म करता तो वो उत्ते कोई भी पेनल्टी नहीं लाई जाती। द प्रोविजन टू इंपोज पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। दैन द लॉ बाय विच अ परसन इज पुनिश्ड कैन टू बी टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ मैटर ऑफ वायलेशंस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट। उस तो अलावा इन्हें ड्यूटी टू पे टैक्सिस बारे भी कहा कि हरेक परसन की एक ड्यूट फंडामेंटल ड्यूटी है टैक्स को पे करना, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद चो ऐड नहीं की गई। नैक्सट क्वेश्चन है अबाउट द दिनेश गोस्वामी कमेटी के दिनेश गोस्वामी कमेटी से किस चीज़ के रिगार्डिंग से। तो जी दिनेश गोस्वामी कमेटी से इलैक्टोरल रिफॉर्म से रिगार्डिंग से, कुछ होर भी कमेटीज़ बनिया ने टाइम टू टाइम पर इलैक्टोरल रिफॉर्म्स वास्ते। 4 मेन ने जिन्हें रिकमेंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। फस्ट वन इज़ तारकुंदे कमेटी रिपोर्ट इन 1975, दैन देर इज़ गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट इन 1990, दैन देर इज़ इलैक्शन कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ 1998, दैन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1998। तो यह 4 कमेटीज़ की रिपोर्ट्स में एटलीस्ट नाम याद रखने ने कि इन चारों नाल इलैक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए गए इंडिया के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेजिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह प्रेजिडेंट को एडवाइस कदों देता है? तो सुप्रीम कोर्ट
प्रेजिडेंट नूं एडवाइस दिंदा अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस जो वह एडवाइस आप मंगे, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी नाल एडवाइस नहीं दिंदा। तो यह आंसर होगा ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, जेकर प्रेजिडेंट खुद एडवाइस मंगता है तो गल करते हैं एडवाइसरी जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज़ अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि दो कैटेगरीज ने, पहली किस किस केस के विच प्रेजिडेंट एडवाइस मंगता है सुप्रीम कोर्ट तो, पहली तो जे कोई लॉ या फैक्ट है ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस तो प्रेजिडेंट मंगता है उसको एडवाइस सुप्रीम कोर्ट तो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले की बनी ट्रीटी या एग्रीमेंट है या कोई कोवेनेंट या एंगेजमेंट है, उन्होंने केसिस के भी प्रेजिडेंट एडवाइस लेंदा है सुप्रीम कोर्ट तो कि किमें काम किया जाए। एग्जाम्पल बींग जिन्होंने तुम थर्ड जजिस केस के नाल जानते हो जिदे नाल तय होया कि कोलेजियम बनेगी चीफ जस्टिस या बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजिस को सिलेक्ट करने वास्ते, तो वह भी एक एडवाइसरी जूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आता है। दैन नैक्सट क्वेश्चन इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली, द मैंबरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली विच ड्राफ्टिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, जेडे मैंबर से कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वास्ते वो किमें सिलेक्ट किए गए, किमें ऐड करे गए, तो उन्होंने ऐड करन दे तीन तरीके से। वन इज कि एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसिस तो ले गए, जेडी पहला इलेक्शन हुए थे जेडे उन्होंने इलेक्टेड लोग से उन्होंने ले गए 292 सीट्स उन्होंने दिती गई। दैन प्रिंसली स्टेट्स, तो इंडिया पूरे च ब्रिटिश इंडिया नहीं सी, कुछ महाराजे उस टाइम भी रूल करते सी तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता सी, ते 93 सीट्स उन्होंने रिजर्व रखी गई तो वह अपनी मर्जी के परसन नॉमीनेट कर सकते। दैन देर आर चीफ कमिश्नर प्रोविंसिस, कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसिस 4 सीट्स उन्होंने कोल सी, ते सारा कुछ किमें हुआ सी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लैन ने जिमें एक प्रोसैस दसिया सी उस तरीके इनू फॉर्मुलेट किया गया। तो हम आंसर दे विच लिखा गया है कि नॉमीनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यदा गलत है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो कुछ भी नॉमीनेट नहीं किया। नॉमीनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ये भी गलत है, इन्होंने भी कुछ भी नॉमीनेट नहीं किया। इलेक्टेड बाय द लैजिसलेटिव असैम्बलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसिस, जे मैं थोन दस्या सी कि 292 परसन इलेक्ट किए गए बाय द प्रोविंसिस, तो यह सही है। दैन इलेक्टेड बाय द इंडियन नैशनल कांग्रेस एंड दी मुस्लिम लीग, ये सिर्फ पार्टी सी, इन्हों ने इदा इलेक्ट नहीं किए, तो यह भी गलत है। तो यदा आंसर आऊगा सी, इलेक्टेड बाय द लैजिसलेटिव असैम्बलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसिस। तो दोस्तों इतने आप वीडियो खत्म करते हैं, इस वीडियो की PDF लैन लई तुसी साडे टैलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।